बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप काफ़ी देर इंतज़ार किया। सेक्रेटरी जनरल साहब बाबर साहब का शुक्रगुजार हैं हम कि इसने आपको तफसीली तौर पे हमारा रेजोल्यूशन सुनाया। मैं जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखना चाहूँगा, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूँगा। आज शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का 95th बर्थडे होता, और शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के 95th सालगिरह पे हमने ये सीसी मीटिंग बुलाया। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को हमने खराज तहसीन भी पेश किया, और कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो दिया हुआ अमानत है वो हमारा 1973 की आईन है, जिसके लिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर, जिसकी बहाली के लिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 30 साल जदोजहद की, जिसका असल शक्ल में बहाल करना का एजाज़ सदर जरदारी ने अपने दौर में 2007 से लेकर 2013 तक 18वीं तरमीम की सूरत में, NFCA अवार्ड की सूरत में, वो जो 1973 के आइन के सारे वादे थे पूरे करने के लिए हमने अपने कदम अपना किरदार अदा किया। और इस साल 2023 is the golden jubilee year of the 1973 constitution of Pakistan. So the People's Party Central Executive Committee has decided that People's Party will observe and celebrate with full fervor the global golden jubilee year. Aur ye pura saal jo hai hum apne 1973 constitution ko dedicate karte hain. चारों सूबों में इंशाल्लाह ताला इसके हवाले से इवेंट्स रखे जाएंगे, और पूरे साल हम पाकिस्तान के जमहूरी सफ़र जो है, पाकिस्तान की जो वफाकी इस्लामी जमहूरी आइन का हम पूरा हमारा जो आइन है इसके बारे में हम सेमिनार्स भी रखेंगे और हम इवेंट्स भी रखेंगे, और सारे सूबे में इसके ऊपर बात करेंगे, ताकि हम अपने अचीवमेंट्स को भी एक्नॉलेज कर सकते हैं, अगर जो चैलेंजेस हैं उस पर भी गौर कर सकते हैं। जो नया नस्ल है जिनको नहीं पता कि किस तरीके से इस आइन के लिए हमने आपने सब मिलके जदोजहद की, कितना कुर्बानियां दी गई ताकि आज के जो नौजवान हैं उनको वोट का हक मिले, उनको बोलने का आज़ादी मिले, बहुत से जो हमारे सूबे के जो हकूक है, अपने वसाइल का मालकी है, किस तरीके से हमने ये सब कुछ अचीव किया, और इस अपने अचीवमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ये काम करें। तो ये हमारा पहला एजेंडा आइटम था। दूसरा जो एजेंडा आइटम था वो हमारा जमहूरियत पे, हेल्थ ऑफ पाकिस्तानी डेमोक्रेसी पे काफ़ी तबसरा हुआ, और जहाँ हम जो पिछले January 5th में जब इसी CC ने लाहौर में इजलास रखा, तो वहाँ हमने फैसला किया कि हम अवामी मार्च करेंगे, वहाँ हमने फैसला किया कि गैर जमहूरी कुव्वतों का हम जमहूरी मुकाबला करेंगे, वहाँ हमने फैसला किया कि सिलेक्टेड को हम खुदा हाफिज़ कहेंगे, और हमने पूरा मैंने एक्चुअली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CC को मुबारकबाद दिया कि जब भी आप तहरीक का फैसले करते हो तो आप वो काम करके दिखाते हो। हमने वो एक बहुत बड़ा कामयाबी है कि जो 10 साल का साजिश था 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़, NFCA अवार्ड के ख़िलाफ़, जमहूरी आज़ादी के ख़िलाफ़, पार्लिमानी निज़ाम के ख़िलाफ़, वन यूनिट वापस ले आने का जो साजिश था, ये सारे साजिशें को आपने नाकाम करवाया, और सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को आइनी अदम एतमाद के थ्रू पहली बार पाकिस्तान की तारीख में पार्लिमान ने अपना वज़ीर आज़म को घर भेजा। तो ये तारीखी कामयाबी है, और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सफ़े अव्वल का किरदार है। हमने इस बात को भी नोट किया कि हमारा जो अज़म था इस मूवमेंट का, हमारा जो मकसद था वो ये था कि हम चाह रहे थे कि सारे इदारे अपने दायरे में रह के काम करें, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेस में रह के काम करें। हमने इस बात को भी वेलकम किया कि इस्टेब्लिशमेंट ने ऐलान किया है कि वो एपोलिटिकल है। हमने इस बात को भी वेलकम किया कि साबिक आर्मी चीफ ने अपनी तकरीर में ये जो गलत बातें थे उनको भी तस्लीम किया, और आगे का जो लाए अमल है वो पूरा अपना इदारा का नुमाइंदगी करते हुए ये बात सामने रखा गया कि आगे जाके हमारा इस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत नहीं करेगा,
जो आईनी दायरे हैं उसमें ही रह के काम करेंगे। तो हमने सीसी का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीसी का प्लेटफॉर्म से इस बात को भी वेलकम किया है, और साथ साथ हम समझते हैं कि ये हमारा जिम्मेदारी है कि जबकि ये वादा किया गया है, अब हम सब पे जिम्मेदारी है कि ये वादा को हमने यू नो हकली और अमली शक्ल देना है इसको। और हम चाह रहे हैं कि जो पार्लियामान की बेहतरी के लिए, पार्लियामान की सुप्रेमेसी के लिए, जो पार्लियामान की वर्किंग्स है उसको भी, उसमें भी हम बेहतरी लेकर आए। लेकिन जो हमें सबसे बड़ा ख़तरा नज़र आ रहा है वो इस वक्त जो पाकिस्तान में पोलराइजेशन है, जो पाकिस्तान में नफ़रत की सियासत को फ़रोग दिया जा रहा है, तकसीम की सियासत को फ़रोग दिया जा रहा है, माई वे और द हाईवे की सियासत किया जा रहा है, मुझे नहीं खेलने देंगे तो मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा कि सियासत किया जा रहा है। और हम समझते ये हमारे मुआशरे के लिए एक ख़तरा है, हमारे सियासत के लिए एक ख़तरा है, और सबसे भरकर हमारे जमहूरियत के लिए एक ख़तरा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, हमारा एक तारीख है, हमारा एक लेगेसी है। ऐसे नहीं हो सकता है कि पाकिस्तान के मुआशरे तबाह हो रहा हो, पाकिस्तान की सियासत तबाह हो रहा हो, इस लेवल तक नफरत पहुंचाया जा रहा है कि वो तकसीम हर जगह नज़र आ रहा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक साइलेंट स्पेक्टेटर का रोल अदा करे। तो इसलिए पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ये फैसला किया कि हम चाहते हैं कि हम सारे सियासी जमातों के लिए, सारे जमहूरी कुव्वतों के लिए, सारे इदारे के लिए, हमारे सियासत के लिए हमने समझा ज़रूरी है कि हम मिलके काम करें, मेहनत करें कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट इस्टेब्लिश किया जाए, और इस कोड ऑफ कॉन्डक्ट के मुताबिक सारी सियासी जमातें अपना सियासत करें, इस कोड ऑफ कॉन्डक्ट के मुताबिक सारी सियासी जमातें इस कोड ऑफ कॉन्डक्ट दायरे में रह के अपने इलेक्शन कैंपेन चलाएं। हम चाहेंगे कि इस कोड ऑफ कॉन्डक्ट के मुताबिक हम अपने आप को, चाहे वो अपोजिशन में हो या हम हुकूमत में हो, अपने आप को इस कोड ऑफ कॉन्डक्ट के मुताबिक पार्लियामान में हमारा किरदार होना चाहिए। और इस कोड ऑफ कॉन्डक्ट को, इस कॉन्सेप्ट को हकीकत में तब्दील करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक कमेटी बना रही है, और ये कमेटी एक नया कोड ऑफ कॉन्डक्ट या नया COD को बनाने के लिए सारे सियासी जमातें से राबता करेंगे जो पार्लियामान में है और जो पार्लियामान से बाहर